जिससे सारे नगर निगम के पदाधिकारी इसी रास्ते होकर उतरते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। 3 महीने से हम उसका कंप्लेन कर रहे हैं कि PSDE का जो पाइप है वो लीकेज है, उसको बंद कराया जाए, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये स्थिति रही, 1 हफ्ते का हम अल्टीमेटम देते हैं निगम प्रशासन को, अगर उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की, इसका निदान नहीं किया, तो हम लोग सड़क जाम करने पर बाध्य होंगे। आज भी नीम चौक से मिलन चौक का जो सूचना आपके द्वारा दिया गया है, उसके आलोक में कार्यपालक अभियंता PHED को निर्देश दिया गया है कि उनका लीकेज का जो शिकायत है उसको दूर करें। तो क्या सच में अंधा हो गया है नगर निगम? क्या नगर निगम को नहीं दिखाई दे रही है लोगों की समस्या? ये आरोप है खुद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के पार्षद डब्बू खान और स्थानीय लोगों का। मामला है शहर की प्रमुख सड़क मिलन चौक का, जहां बीते कई महीनों से सड़क पर नल जल योजना की पोल खोलते हुए पाइपलाइन से पानी लीक कर रहा है और सड़क पर कीचड़ जैसी स्थिति है। निगम के अधिकारियों द्वारा बार बार कहे जाने पर भी कोई संज्ञान नहीं लेने से लोगों का आक्रोश फूट रहा है। स्थानीय लोगों का पैदल सफर करना दुभर हो चुका है, लेकिन अब स्थानीय पार्षद और आम लोगों ने आंदोलन का मन बना लिया है। निगम प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। क्या कहेंगे आप? ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को नमाज पढ़ना दुश्वार हो रहा है। जब हम लोग चलते हैं तो पूरा गंदा पानी हम लोगों के जिस्म पर पड़ता है, उसके अलावा गाड़ी घोड़ा ये रोड चालू इतना है कि एक्सीडेंट आए दिन होता है यहाँ पे। हम लोग कितना बर्दाश्त करें, हम लोग का जीना मुश्किल है। ये पूरा काद उड़ करके हम लोग के मकान पे पड़ रहा है और नगर निगम कोई सुनवाई नहीं लेती है। पूरे समाज के लोग हम लोग तबाह हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे नगर निगम तो हम लोग घेराबंदी करने जा रहे हैं, रोड को ब्लॉक कर देंगे। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? जाम हो जाएगा, कोई चले उलेगा नहीं। मोहल्ला की कुंची है, देखिए आप लोग कहीं पर है पानी लगा हुआ। लीकेज कहाँ से? ये लीकेज क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे ये मिलन चौक पे पानी लगा हुआ है, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, सब लोग परेशान हैं, कीचड़ का दो लोगों को परेशानी हो रही है। ये पानी क्यों लग रहा है, कहाँ से आ रहा है ये पानी? PSDE वाला जो सप्लाई वाला पानी आता है, सप्लाई वाला सरकारी, वो पानी लीकेज है वहाँ पर। आगे आगे से कहाँ पे, जगह का नाम बताइए। मिलन चौक पार्षद साहब भी कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन PSDE वाले कुछ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आपके वार्ड में एक तो PM कॉलेज से वाला रोड बिल्कुल ही डैमेज है, दूसरा आपका नीम चौक से जो रोड आ रहा है मिलन चौक पर वो भी डैमेज है, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए ये बहुत ही दुख की बात है कि ये जो मिलन चौक है ये ऐसा चौक है जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसका कारण कि ये CM कॉलेज और नाका नंबर 5 और ये रास्ता सीधे नगर निगम को जाता है, जिससे सारे नगर निगम के पदाधिकारी इसी रास्ते होकर उतरते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। 3 महीने से हम उसका कंप्लेन कर रहे हैं कि PSDE का जो पाइप है वो लीकेज है, उसको बंद कराया जाए, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मीटिंग से लेकर और मौखिक से लेकर पर्सनली मिलकर और टेलीफोन पर भी, और इनके पदाधिकारी एक है सहूत साहब, वो कहते हैं कि मैं आपके लिए मार करने जाऊँ। एक जिम्मेदार ऑफिसर ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब कैसे दे सकता है? ये कह सकता है कि मैं मार करने जाऊँ? अरे आप हायर अथॉरिटी से बात करो, अगर आप में दम नहीं है तो अपने हायर अथॉरिटी को कहकर उसके हायर अथॉरिटी को कहो कि ये समस्या है, इसको निदान करे। है ऐसे पल्ला झाड़ लेने से तो होगा नहीं। बिल्कुल नगर निगम बिल्कुल नरक निगम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये इस रोड को आपने, आप जो वार्ड पार्षद हैं और स्थायी समिति के सदस्य भी हैं शायद, तो क्या इसको पास करवाया आप लोगों ने? ये रोड पास है? ये कौन सा रोड आपके वार्ड ये का? मैं बता देता हूँ कि आपको जो ये राजेंद्र पुरी है, ये सॉरी कौन मंदिर है, गायत्री मंदिर है, उस नीम चौक पे वो दोनों तरफ का नाला आपको पास है, नाला बनना है, उसके बाद सड़क बनने की प्रक्रिया होगी। लेकिन आज तक जो है जो अतिक्रमण मुक्त कराने की बात हुई, निशान लगाया गया और उसके बाद निगम इतना सुस्त है कि अतिक्रमण खाली नहीं करा सका, जिसकी वजह से नाला नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से सड़क नहीं बन पा रहा। अब बताएं कि
क्या स्थिति है शहर की समझ जाइए आप। आपको सिर्फ इसी राम जानकी मंदिर रोड नहीं बल्कि आपके ये बगल में रोड है, इसके भी लिए मैं कम से कम एक साल से आवाज उठा रहा हूँ। आप प्रोसीडिंग की कॉपी वहाँ देख सकते हैं कि इसको अतिक्रमण मुक्त करके, हाँ इसको अतिक्रमण मुक्त करके इसको बनाया जाए, लेकिन आज तक सिर्फ निशानदेही की गई और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पे आप वहाँ लिखित आवेदन कई बार किया है? अरे लिखित आवेदन आप जो भी अस्थाई समिति की बैठक हुई है पिछले एक वर्षों में उसकी प्रोसीडिंग ले लें और देखें कि मैंने क्या कहा है और निगम ने उस पर क्या कार्रवाई की है। सर ये नीम चौक से मिलान चौक और सीएम साइंस कॉलेज से पांच नाका होते हुए दुनार का सेक्शन हो चुका था, अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ और पीएचडी द्वारा जो पाइपलाइन बिछाया गया था वो डैमेज है जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इस पर जनता बहुत आक्रोश है, क्या कहेंगे सर इस पर? पीएचडी की तरफ से पूर्व में जितना भी जलापूर्ति का योजना चलाया गया था उसमें समय समय पर लीकेजेज का शिकायत प्राप्त होता है, जहाँ जहाँ से लीकेजेस का शिकायत प्राप्त होता है उसको हम लोग पीएचडी को मरम्मत के लिए बोलते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मरम्मत रख रखाव पीएचडी के माध्यम से किया जाना है। आज भी नीम चौक से मिलन चौक का जो सूचना आपके द्वारा दिया गया है उसके आलोक में कार्यपालक अभियंता पीएचडी को निर्देश दिया गया है कि उनका लीकेज का जो शिकायत है उसको दूर करें, एवं नाला का जो आपका शिकायत है उस पर बुड़को के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के साथ बैठक हुआ है। निश्चित रूप से नाला एक सेंसिटिव चीज़ है, जब तक कार्य उसमें पूर्ण नहीं होगा आसपास के लोगों को थोड़ा असुविधा होगा, लेकिन कार्य में गति और तेज़ी से लाने का निर्देश दिया गया है। ये बार बार निर्देश दिया जाता है पीएचडी को भी, उडको को भी, पहले भी दिया जाता था, कहीं ना कहीं लगता है वो अनसुना कर रहा है क्या? नहीं ऐसा बात नहीं है, निश्चित रूप से उनके पास भी कुछ तकनीकी समस्या होगा, एक बार फिर से हम इसका रिव्यू कर लेते हैं, अगर कहीं उनका तकनीकी समस्या हो तो उसका भी हम लोग निदान करेंगे, जो भी समस्या होगा उसको मिल बैठ के उसका समाधान करेंगे।